वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों की, तो रिक्रूटमेंट हो रही है हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड में। कुल मिला के दो पद भरे जाने वाले हैं, एक पद रहेगा अकाउंटेंट का। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए टैली और कंप्यूटर का, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स। और यहाँ पर अगर आपको उर्दू आती है तो आपको यहाँ पर प्रेफर्ड किया जा सकता है। कंपलसरी नहीं है कि आपको उर्दू आना ही चाहिए, लेकिन आपके पास अगर उर्दू का नॉलेज है, आपको उर्दू आती है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पर पे स्केल रहेगा 10,300 रुपीज से लेकर 34,800 रुपीज, साथ में 3,800 रुपीज का ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है वो है ड्राइवर की। इसका एक पद भरा जाएगा और इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए, साथ में आपके पास लाइसेंस टू प्ले लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, दोनों ही पोस्ट के लिए आपकी कम से कम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 45 इयर्स होनी चाहिए। आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 15 जनवरी 2020। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको एक रेज्यूम बनाना होगा अपना, ठीक है, इसके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया है इन्होंने, आपको एक रेज्यूम बनाना होगा। उस रेज्यूम के साथ आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसको ऐड करना होगा और फिर उसको स्पीड पोस्ट या आप सामान्य पोस्ट से सेंड कर सकते हैं। एड्रेस आपका यहाँ पर है, वक्फ बोर्ड 5 एलिगन विला लक्कड़ बाजार शिमला 17001। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।